2016-17 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको भारत माला जो परियोजना जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए है, यानी कि 30 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, तो इसका करीब करीब मोटा मोटा 600 करोड़ रुपए का बजट है कि इसकी जो लागत है वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हो गई, यानी कि 18 करोड़ रुपए जो CCA ने जो मंजूर की थी उसको छोड़ के उससे 15 गुना ज्यादा 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आई, यानी कि क्यों लग गया, क्योंकि 18 करोड़ से 20 22 25 तो चलो मान लेते हैं, 15 गुना 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट, 50 एकड़ में माता शीतला मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका बजट 900 करोड़ रुपए है कुल, 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए में तो एम्स बन जाता है जिसमें लैंड की एक्विजिशन की कॉस्ट भी होती है, तो इस रोड में ऐसा क्या हो गया कि 250 करोड़ रुपए। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ जिसके साथ एक नया विवाद जुड़ गया है। हालांकि इस रोड को अभी शुरू नहीं किया गया है, वाहनों की एंट्री के लिए खोला नहीं गया है, लेकिन एक नया विवाद इसके साथ जुड़ गया है। क्या कुछ ये विवाद है और क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश यादव जी हैं। राजेश यादव जी, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। क्या कुछ ये मुद्दा है और क्या कुछ ये मामला है, एक बार बताएं जरा। धन्यवाद जी। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, इसको पहले NPR बोला जाता था, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, और 2031 के मास्टर प्लान में जो सेक्टर 81 से और 115 के बीच का जो सेक्टर्स थे उनके कनेक्टिविटी के इस रोड को बनाया गया था। हरियाणा सरकार ने इसकी ज़मीन का अधिग्रहण किया था और सरकार ने आधे से ज़्यादा इसको निर्माण भी कर दिया था, 6 लेन के जो पेरिफेरल रोड के तौर पर जी। 2016-17 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको भारत माला जो परियोजना जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए है जी, उसके तहत ले लिया और CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मंजूरी देती है बजट को, उसने इसका बजट मंजूर किया था 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है तो इसका करीब करीब मोटा मोटा 600 करोड़ रुपए का बजट था। अब हमने समाचार पत्रों से जो पढ़ा कल, तो हम चौंक गए, हैरान रह गए कि इसकी जो लागत है वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हो गई, यानी कि 18 करोड़ रुपए जो CCA ने जो मंजूर की थी उसको छोड़ के उससे 15 गुना ज्यादा 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आई, यानी कि 30 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है इसको बनाने में 7500 से 9000 करोड़ के बीच का ये बजट बता रहे हैं। अब इसमें इतना पैसा कैसे लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि 18 करोड़ से 20 22 25 तो चलो मान लेते हैं, 15 गुना 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट कैसे बढ़ गई। नहीं तो एलिवेटेड रोड है इसके कॉस्ट बड़ी होगी, एलिवेटेड भी है कि आप ये देखिए, इसमें जो CHG की जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें जो सवाल उठाए गए हैं, एक तो जब इसको एक्सप्रेसवे से और एलिवेटेड रोड में कन्वर्ट किया तो उसके लिए कोई DPR नहीं बनाई गई, CCA से कोई मंजूरी नहीं ली गई, एलिवेटेड रोड इसको 8 लेन का क्यों बनाया गया शहर के अंदर, इसको किसकी क्या जरूरत थी, इसकी कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई गई। 8 लाइन का तो ये एलिवेटेड रोड है, इसके नीचे दोनों तरफ जो 6 लेन का सरफेस रोड भी है। अब ये एलिवेटेड रोड का लिमिटेड एक्सेस है, इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको या तो एंट्री पॉइंट पर आना पड़ेगा इधर घूम के उधर घूम, यानी सोहना रोड के पर जो एलिवेटेड बनाया है जैसे कि स्थानीय लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिला है, वैसे ही इस द्वारका एक्सप्रेसवे का बेनिफिट लोगों को स्थानीय लोगों को नहीं मिलने वाला जी बिल्कुल। और 250 करोड़ रुपए सर बहुत बड़ी रकम होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए पर बेड पे तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाता है, तो 50 एकड़ में माता शीतला मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका बजट 900 करोड़ रुपए है कुल, 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए में तो एम्स बन जाता है जिसमें लैंड की एक्विजिशन की कॉस्ट भी होती है, तो इस रोड में ऐसा क्या हो गया कि 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, तो आप सोच के देखिए कि मतलब एलिवेटेड भी बना दिया, एलिवेटेड रोड 1700 किलोमीटर की लागत आई है जो सोना रोड पे 25 किलोमीटर की। नहीं तो कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतरीन किस्म की होगी ना, हम कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। कंस्ट्रक्शन तो ये आपके मैं दिखा देता हूँ बगल में कि अभी ये बन के तैयार भी नहीं हुआ है, इसका 2 से 3 जगह स्लैब गिर लिया, महिपालपुर रंगपुरी मूर्ति के पास स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, उससे पहले सेक्टर 85 के यहाँ इसका स्लैब गिर गया था तब भी यहाँ पे नुकसान हुआ है,
बढ़ते ही ये जगह जगह से आप जाएंगे, इसकी अगर जो सैर करेंगे तो बहुत जगह से आप देखेंगे डैमेज है ये। और जो ये इसका एंट्री पॉइंट है SPR से सदर्न पेरिफेरल रोड से जो एंट्री पॉइंट है उसकी हालत देख लीजिए आप कि किस गुणवत्ता का काम हो रहा है, कि बनते बनते ये टूट जा रहा है या जो काम किया है वो काम देखिए छोटी सी बारिश में ही बिल्कुल डैमेज हो गया। तो ये कैसा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है कि जिसकी 1 किलोमीटर की 250 करोड़ रुपए आप कॉस्ट ले रहे हैं और उसकी हालत ऐसी है जैसे कोई PWD का कोई ठेकेदार रोड बना रहा हो। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत भारी अनियमितताएं हुई है। और जब CAG की रिपोर्ट, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी है CAG भी, वो जब इसके ऊपर सवाल उठा रही है, वो सिर्फ इसके बजट पे सवाल उठा रही है, गुणवत्ता की तो अभी बात ही नहीं हुई है कि इसमें किस गुणवत्ता का काम हुआ है। और ये इतना महंगा एक्सप्रेस वे शायद विश्व में हमने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा कि 1 किलोमीटर का रोड बनाने की लागत 250 करोड़ रुपए है। और उस रोड की हालत देख लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई PWD का बनाया हुआ ये कोई साधारण रोड है। तो ये सरकार को जवाब देना है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सुशासन के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे जो लूट मचाई है ना, शायद भारत के इतिहास में ना आपसे पहले कभी इतनी लूट हुई थी ना कभी इतनी लूट होने वाली है कि आप 15-15 गुना बजट बिना कोई DPR बनाए, बिना किसी से मंजूरी लिए, बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, आप 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बनने वाली सड़क का 250 करोड़ रुपए अपनी मर्जी से बजट कर देते हैं और ठेकेदारों को बांट देते हैं। इस रोड का 3 से 4 बार निरति उद्घाटन कर चुके हैं गडकरी जी, कभी इस पोर्शन का कभी उस पोर्शन का, बिजवासन में रैली करी, यहाँ रैली करी, और बार बार वो निरीक्षण करने आते। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की हालत आप देख लीजिए, गड्ढे हुए हुए हैं, उन गड्ढे की रिपेयरिंग की तरफ ध्यान नहीं है। अब इस नई सड़क का 30 किलोमीटर का कोई पूछे तो नेशनल हाईवे आज से पहले आपने सुना और देखा है क्या, जो शहर के अंदर से आ रहा है, ये भी नहीं है कोई शहर का कोई आउटर रोड है ये। और इसके तरफ जीएस देख लिए, मंत्रियों का इतना ध्यान है कि हर महीने 2 महीने में निरीक्षण करने आ जाते हैं और निरीक्षण के बावजूद ये गुणवत्ता का काम हो रहा है। जी, तो जी। जो हमारे लोगों का, इसके 2 नुकसान है, एक तो 8 से 9 हजार करोड़ रुपए का जो बजट है वो 6 हजार करोड़ रुपए CAG की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा दे दिया, वो इनके BJP नेताओं की जेब में गया। दूसरा, जब ये इतना महंगा रोड है तो आप ये मान के चलिए इसके ऊपर जो टोल पे करना पड़ेगा ना गुजरने वाले लोगों को, वो बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसकी कॉस्ट पूरी नहीं हो जाएगी तब तक टोल हटाया नहीं जा सकता। ये महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से है, महत्वपूर्ण योजनाओं में से है ये मोदी सरकार की द्वारका एक्सप्रेस वे। दरअसल ये पूर्ववर्ती जो सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनके वक्त में शुरू किया गया था। तब इसका नाम NPR था, यानी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड इसको कहा जाता था। लेकिन अब इसको पूरे तरह से एलिवेटेड बनाया गया है, जिसकी कॉस्ट 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन वो बढ़ती बढ़ती अब कैग की रिपोर्ट के अनुसार, कैग की रिपोर्ट की माने तो 250 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भुगतान किया जा रहा है, जिसके ऊपर CAG ने सवाल उठाए हैं, जो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल मोदी सरकार की कार्यशैली पर, या फिर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनकी कार्यशैली पर ज़रूर खड़े हो रहे हैं। और आप इसकी कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत है, बादशाहपुर से जब आप इस द्वारका एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए आएंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये महज एक दिन की बारिश में ये पूरे का पूरा रोड जो था वो बह गया, और इसके चलते ये यहाँ से रोड बंद किया हुआ है, एक ही इसका पोर्शन खोला हुआ है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका औचक निरीक्षण किया था, निरीक्षण के बाद ये तमाम चीज़ें हालांकि बाद में हुई, चूँकि बारिश बाद में हुई है, औचक निरीक्षण के दौरान तमाम देशवासियों को, या फिर यूं कहें दिल्ली NCR वासियों को सौगात देने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से CAG ने, कैग ने इस रोड की गुणवत्ता पर, या फिर इस रोड की जो लगने वाली लागत है उसके ऊपर गंभीर सवाल उठाए हैं, वो अपने आप में मोदी सरकार को कटघरे में ज़रूर खड़ा करने में लगी हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।